इथियोनामाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इथियोनामाइडों के बारे में। इथियोनामाइड हमारी एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ होती है टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है, इट इज़ यूज टू ट्रीट एक्टिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के काम आती है, यानी MDR-TB को ये ट्रीट करने के काम आती है। अब आगे बात करते हैं इथियोनामाइड के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है तो आप इसका स्ट्रक्चर इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। इसके नाम में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो नाम में क्या लिखा हुआ, पहले ईथ। ईथ यानी कि हमारे पास बेंजीन पे एक इथेन ग्रुप अटैच होगा। इसके बाद आगे क्या है, आगे है थायो। थायो वर्ड यूज़ होता है सल्फ़र के लिए, तो इसमें एक सल्फ़र ग्रुप भी अटैच होगा। आगे है थायो के बाद एन। एन आप समझ लीजिए कि भाई बेंजीन के अंदर एक नाइट्रोजन ग्रुप भी अटैच है। और इसके बाद अमाइड। अमाइड क्योंकि इस बेंजीन पे एक अमाइड ग्रुप भी अटैच है, CNH2। ये एक अमाइड ग्रुप है जो इस बेंजीन पे अटैच है, तो इसके नाम में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ।